जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बनो काबिल ने तीन हिस्सों में तोड़ा है। सबसे पहला हिस्सा है बिगनर लेवल, जो कि है HTML, CSS और JavaScript के ऊपर। दूसरा हिस्सा है React एप्लीकेशन के ऊपर और तीसरा हिस्सा है बैकएंड डेवलपिंग। हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहला हिस्सा है पार्ट वन, जिसे वेबसाइट डेवलपमेंट वन का नाम दिया गया है। उसमें आपको हम क्या सिखाएंगे? उसमें हम आपको HTML, CSS, JavaScript सिखाएंगे। ये कोर्स किसको करना चाहिए? ये कोर्स उसको करना चाहिए जिसके पास कंप्यूटर की लिटरेसी है, यानी वो कंप्यूटर चलाना जानता है, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कर लेता है, इंटरमीडिएट कर चुका है, कंप्यूटर के साथ उसका रुझान ज्यादा है, उसे ये कोर्स करना चाहिए। ये कोर्स किसे नहीं करना चाहिए? ये कोर्स उसे नहीं करना चाहिए जो कंप्यूटर की लिटरेसी नहीं रखता। उसके लिए हमारे पास ICT का एक स्पेशल कोर्स है, पहले वो उसमें कामयाबी हासिल करे और फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। दूसरा हमारे पास फेज है वेबसाइट डेवलपमेंट 2, जिसे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम आपको क्या सिखाएंगे? रिएक्ट डेवलपमेंट एंड UI डेवलपमेंट। उसमें हम आपको बेहतरीन वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से, यानी दिखने के पर्सपेक्टिव से सिखाएंगे बनाना। ये कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? ये कोर्स करने के बाद आप एक अपनी अच्छी वेब यानी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। ये कोर्स किसे करना चाहिए? ये कोर्स उसे करना चाहिए जो वेबसाइट डेवलपमेंट 1 का कोर्स कर चुका है या उससे रिलेटेड उसको नॉलेज है, यानी HTML, CSS, JavaScript उसे एक बेहतर तौर पे आती है और वो अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकता है। ये कोर्स उसे करना चाहिए। ये कोर्स किसे नहीं करना चाहिए? वही बात, जिसे वो HTML, CSS या वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट वन नहीं आता, यानी वो एक अपनी वेबसाइट नहीं बना सकता। इसके बाद आते हैं हम तीसरे यानी एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल क्या है? जिसमें हम आपको बैकएंड डेवलपमेंट सिखाएंगे। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है? जिसपे आपके पास सर्वर पे आपकी API चलती है। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हो गई है यहाँ पे, लेकिन इस कोर्स करने के बाद आप एक अच्छे फुल फ्लैश वेब ऐप डेवलपर कहलाएंगे, जिसे हम मन स्टैक डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर भी कहते हैं। ये कोर्स आपको तब करना चाहिए जब आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट 1 और 2 में कामयाबी हासिल हो, तब आपको ये कोर्स करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी कमांड एडवांस लेवल तक बेहतरीन तौर पर ले जा सकते हैं। कोर्स ये किसको नहीं करना चाहिए? ये कोर्स उसे नहीं करना चाहिए जो कंप्यूटर लिटरेसी नहीं लगता और स्टार्टिंग के वेबसाइट डेवलपमेंट 1 और 2 के कोर्सेज नहीं किए उसने या उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं रखता। अपना बहुत ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।